देखिए, झारखंड में एक नई सरकार आई है, जेएमएम नीत सरकार है। उस पर हमारे दो गंभीर आरोप हैं। पहला तो पश्चिम सिंहभूम जिले के बुरु गुलीकेरा में जो नरसंहार हुई थी 19 जनवरी को, उसमें पत्थरगढ़ी समर्थक जो देशद्रोही हैं उनका हाथ है। कल भी गवर्नर वहां गई थी, आज खबर कागजों में स्पष्ट आया है। तो उन देशद्रोहियों को ये जेएमएम सरकार समर्थन दे रही है। आते आते शपथ लेते लेते उनके मुकदमों को छोड़ देने का घोषणा करती है। दूसरा, स्थानीयता इसका मेन मुद्दा था चुनाव का, ये भी बात इन्होंने शुरू कर दी। और ये हेमंत सोरेन गत बार भी सीएम बने थे इसी मुद्दे पर, और 1.5 साल तक रहे, लेकिन उन्होंने स्थानीयता को परिभाषित नहीं किया। तो इस सरकार पर हमको शंका है कि ये फिर जनता को ठगेगी। दूसरा मुद्दा है बीजेपी का कि इस चुनाव में और उनके क्रियाकलापों से ये प्रमाणित हो गया है, ये आदिवासी मूलवासी विरोधी पार्टी है। कभी CNT SPT कानून का गलत संशोधन करती है, कभी भूमि बैंक बना के सबका जमीन हड़पना चाहती है इत्यादि, और ऐसा स्थानीयता बनाती है जहाँ पर लोकल लोगों को संदेह होने लगता है। और इसी पार्टी में अभी JVM भी घुस गई है। तो एक प्रकार से आदिवासी मूलवासी विरोधियों का एक बड़ा टीम बन रहा है। तो जनता को एक विकल्प चाहिए। तो जनता के विकल्प के लिए हम लोग जनता दल यू को यहाँ खड़ा करना चाहते हैं, जमीन में लोगों के साथ, उनके मुद्दों के साथ। स्थानीयता जिंदाबाद, लेकिन सब धोखे वाली बात है। तो उनको हम सजग करना चाहते हैं कि यदि ये काम करते हैं तो अच्छी बात है, यदि नहीं करेंगे तब इनसे भी लोगों का मोह भंग होगा। और हम लोग को तो पता है, ये 40 साल से गुरुजी भी MLA MP मंत्री मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री केवल प्रधानमंत्री बनना बाकी रह गया, और बाप बेटा दोनों 4 बार पहले भी CM रह चुके हैं, ये 5वीं बार है। तो ये लोग एक तरफ देशद्रोहियों का साथ देंगे, दूसरी तरफ स्थानीयता बनाएंगे बोल के धोखा भी देंगे, तो जनता को हम लोग जगाना चाहते हैं। फिर तो JVM ये भी बोलेगी कि आप भी JVM की तरह बात कर रहे हैं, आप भी BJP के बी पार्ट टीम की तरह काम करेंगे, पहले आदिवासियों को अपने तरफ लाएंगे, आप फिर BJP के खेमे में। हम इन मुद्दों के लिए बात कर रहे हैं। जो भी इन मुद्दों के लिए बात करेगा उसी के लिए ना आदिवासी या लोकल लोग साथ देंगे। हम यदि 27% आरक्षण की बात करेंगे जो बिहार में लागू है, यहाँ क्यों लागू नहीं है? और इस JVM की सरकार ने या JVM पार्टी ने, गठबंधन ने इसको कहा है तो लागू कीजिए। हम कह रहे हैं सरना धर्म कोड लागू कीजिए, संताली भाषा को राजभाषा बनाइए, शराबबंदी लागू कीजिए, स्थानीयता लागू कीजिए। हम ना JVM की तरह बोल रहे हैं ना BJP की तरह, ये लोग तो बोलेंगे ही नहीं। ये सब मुद्दा कभी BJP नहीं बोलेगी, वो तो इनका विरोधी है। JVM भी नहीं बोलेगी, पहले भी नहीं बोली थी, अभी भी नहीं बोलेगी, कांग्रेस भी नहीं बोलेगी, कोई नहीं बोलेगा। यहाँ के लोग एक प्रकार से, इनका दुर्भाग्य है